नमस्ते, माई मिनिस्टर में आप सबका स्वागत करती हूँ। राधे राधे डियर, मैं यहाँ वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके लिए। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ आप जिनसे प्यार करते हो अपने पार्टनर से, उनके मन में आप हैं या कोई और है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, इंटेंशन सही रखे। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि उनमें उनके मन में आप हो या कोई और। रिलैक्स हो जाए, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, और सारे साइन के लोग देख सकते हो, मेल हो फीमेल हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, सबके लिए रिलैक्स हो जाए। आप उनके मन में आप हो या कोई और, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। टू ऑफ वांड्स, थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए, आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिल के साफ हैं। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है सोसाइटी समाज को लेकर भी कुछ काम करते हो, लेकिन आपके लिए लॉयल हैं, ईमानदार हैं। अगर ये मैरिड भी हैं तो इनको पछतावा होती है डियर, अगर इनके लाइफ में कोई और है। अगर ये मैरिड है तो ये पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है। ठीक है, और देखिए किसी बात से ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, इनके मन में आपको लेकर प्यार है, बहुत लॉयल है। इन्होंने आपको बहुत इंतजार कराया है, लेकिन अब ये पर्सन के अंदर जो एनर्जी है वो आपको लेकर एक नई शुरुआत। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है, द हायरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, डेथ की एनर्जी है। देखिए डियर, आपके पर्सन ने हो सकता है काफी इंतजार कराया है मैरिड के, मतलब आप लोग अगर मैरिड नहीं हो एक दूसरे से तो मैरिज के लिए इन्होंने काफी इंतजार कराया है, लेकिन इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, मैरिज नहीं कर पा रहे। हो सकता है वो मैरिड हो, ठीक है, और ये पर्सन सोसाइटी समाज में कुछ अच्छा काम भी करते हो, इनकी अच्छी पोजीशन हो। ठीक है, और देखिए डियर, यहाँ पे एक चीज है कि ये आपको इंतजार बहुत करा रहे हैं और आज भी करा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा और आपको वेट करा सकते हैं, लेकिन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट भी हैं और ये आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी वजह से आप दोनों में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आए, फाइटिंग झगड़े हुए थर्ड पार्टी के, अगर ये मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या फिर मुझे लग रहा है व्यूवर्स की अगर इनके लाइफ में पहले से ये मैरिड थे तो आपको पता नहीं था, इन्होंने आपसे छुपाई बातें तो ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे प्यार करते हुए भी इन्होंने किसी से मैरिज कर ली, इस वजह से रिग्रेट की एनर्जी में है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो आपके तरफ वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में एक बैलेंस, मतलब कि एक नई शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए लॉयल है, ईमानदार जरूर है, बट इस वक्त थोड़ा रिग्रेट की एनर्जी में है और ये आपके तरफ एक नई शुरुआत चाहते हैं। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हो, एक दूसरे को बहुत फील करते हो, एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हो, लेकिन कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपकी एनर्जी देखा जाए तो आप इस पर्सन से मैरिज भी करना चाहते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप स्पिरिचुअल भी हो, आप सोसाइटी समाज के लिए कुछ कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों में कुछ ना कुछ दान करना, डोनेट करना, लोगों की मदद करना, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इस रिश्ते में अब बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी तो इनके मन में, देखिए आप हैं, आपके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके लाइफ में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिस वजह से ये आपके तरफ प्रॉपर ढंग से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप मतलब आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, सेलिब्रेशन भी करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं और आपकी तरफ पे ये बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत वेट कराते हैं, टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी, ये पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा ऑन ऑफ करते रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा ऑन ऑफ करते रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको इस बात का दुख है। ठीक है, इस बात का आपको रिग्रेट है कि शायद आपने कुछ गलती की है या फिर आपसे कोई गलती हो गई, ऐसा आप भी फील करते हो। सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन रहने से, हो सकता है आप दोनों में किसी प्रकार की पेनफुल सिचुएशन आई है। ठीक है, हो सकता है पेनफुल सिचुएशन आई है और आप लोग में
कहीं ना कहीं अलगाव भी हुआ है डियर, और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे का वेट करते हो, लेकिन ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, पैशनेट एनर्जी है, लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यू है, जिस वजह से आपके पर्सन इस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आपसे ये कहना चाहते हैं, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये पोजीशन नहीं है डियर कि ये आपको कमिटमेंट दे, आपसे मैरिज करे। हाँ, आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और आपको समझाना भी चाहते हैं कि इनके लाइफ में सिचुएशन सही नहीं है, इस वक्त ये आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन थर्ड पार्टी इश्यू है व्यूअर्स, ठीक है, जो कि आप दोनों के लिए सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। हमेशा आपके खिलाफ गॉसिप करना, आपके खिलाफ तिल का ताड़ करना, राय का पहाड़ बनाना, ये हमेशा हो रहा है, और ये पर्सन आपके लिए लॉयल है, किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है, एक डेथ की एनर्जी, एक नई शुरुआत करना चाहते, लेकिन इन्होंने अगर आपका दिल दुखाया है, थर्ड पार्टी इश्यू में डाला है, पेनफुल सिचुएशन दिया है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से व्यूअर्स आप लोग अपने लाइफ में बैलेंस करना सीख रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, कुछ लोगों से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, लोगों के लिए आप कुछ कर पा रहे हो, तो ये कुछ आप में अच्छा हो रहा है, लेकिन ये पर्सन पेनफुल सिचुएशन में रहते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इशू है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपकी तरफ आपके पर्सन को बढ़ने नहीं देती। मैरिड भी हो सकते हैं डियर, या फिर आपके साथ इन्होंने काफी वक्त बिताए हैं और उसके बावजूद भी इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली है, तो इस बात का इनको रिग्रेट है, लेकिन इनकी नहीं बन रही। जो भी हो, आपके पर्सन के लाइफ में आपके अलावा कोई और है, तो इनकी नहीं बन रही, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनसे पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हो सकता उनसे फाइटिंग झगड़े हो रहे हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पेनफुल है, बहुत पेन में, थर्ड पार्टी से नहीं बन रही है, तो देखा जाए डियर, तो आप ये पर्सन आपको प्यार करते हैं चाहे वो जैसे भी हो, हाँ सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, आपको जस्टिस जरूर देंगे डियर, क्योंकि ये है आपके पार्टनर की अच्छी पोजीशन हो सकती है, एडवोकेट, जज, वकील, मतलब इनकी एक लीडरशिप की क्वालिटी है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए लॉयल है, आपके साथ आगे जाएंगे, लेकिन इस वक्त चाहते हैं कि आप उनका साथ दो, एक फ्रेंड की तरह सपोर्ट करो, क्योंकि पेनफुल सिचुएशन है और थर्ड पार्टी ऐसी है, ऐसा है कि इनको कहीं ना कहीं हमेशा दर्द और सेपरेशन देता रहता है या देती रहती है, तो कहने का मतलब हर हाल में आपके पार्टनर दिल दुखाकर ये रिग्रेट की एनर्जी में है और एक नई शुरुआत ये चाह रहे हैं। कहा जाए डियर, तो इनके दिल में कौन है, इनके दिल में आप हो, इनके लाइफ में आप हो, क्योंकि थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम्स आ गई, आप देख रहे हो कि थर्ड आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते, सेलिब्रेट करना चाहते, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी से इनको पेन मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, और आपके खिलाफ गॉसिप करना, बातें बनाना, झूठ सच मिर्ची लगाकर किसी और से आपके खिलाफ कुछ बोलना, तो ये आपके पर्सन को पसंद नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज अच्छा लग रहा है कि आप लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं लोगों की मदद भी करते हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप लाइफ में बैलेंस करना सीख गए हो, और आपके पर्सन भी चाहते हैं इस रिश्ते में अब बैलेंस करना, ठीक है, तो उनके मन में आपकी जो आपके लिए है डियर वो बहुत ट्रू लव है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपके लिए लॉयल है। अगर इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है, जस्टिस नहीं किया, तो ये रिग्रेट की एनर्जी में है, लेकिन आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ऐसी उनकी फीलिंग्स है, पेनफुल सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, तो आपके पार्टनर हर हाल में आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, और ये फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं डियर, फायर साइन है और वाटर साइन है और अर्थ साइन है और यहाँ पे एयर साइन है, सारे साइन है, ठीक है, तो मैं फिर से बोल देती हूँ, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सारे साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, तो उनके मन में कौन है, सबसे ज्यादा प्यार किससे है, वो आपसे है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, या आपके अलावा किसी और से इन्होंने मैरिज कर ली हो, उनके दिल में आप हो, लेकिन डियर मैं यहाँ कहना चाहूंगी, एक बार गाइडेंस दे देती हूँ कि देखिये डियर, लाइफ को समझा करें, ठीक है, कोई भी इंसान के लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यू आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो उससे सीखिए कि मुझे कैसे बैलेंस करना है, कैसे अपने लाइफ में चेंजेस लाना है, किसी का इंतजार कब तक करना है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि लाइफ सबको जीना है,
ठीक है, लाइफ को सबको जीना है, अपनी अपनी लाइफ सबको जीना है, तो लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, किसी के लिए अपना वक्त जाहिर मत कीजिए। हाँ, अगर ये पर्सन आपको प्यार करते हैं तो 100% आएंगे, लेकिन डिवाइनिंग टाइम पर। लेकिन आपको क्या करना है, कितना भी लॉयल हो, कितना भी आपके लिए ईमानदार हो, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे, आप रहते हुए भी, आपसे प्यार करते हुए, इन्होंने कहीं ना कहीं किसी और को चुना है, किसी और से जो मैरिज कर लिए है, इस वजह से ये पर्सन खुश नहीं है, ये आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक से कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं डियर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।